Good morning, dear student. Today we study class 3rd subject math chapter 1 revision. पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन 9 तक कर लिए थे, जिसमें हमने वर्ड्स, फिगर्स और एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म रीड किया था. आज हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर रीड करेंगे. द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर. लार्जेस्ट होता है सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा. लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा. तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा है? वन डिजिट नंबर 0 से 9 तक होते हैं, जिसमें एक ही डिजिट होता है. तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया? 9. लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 9. द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर. अब इस सबसे लार्जेस्ट 9 वन डिजिट में हो गया. द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर भी 9, 9, क्योंकि 9, 9 के बाद क्या आता है? 100, वो कि 3 डिजिट का हो जाता है. तो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 और सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑल्सो 999. अब आपसे कोई पूछे सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप 94 टाइम लिख के बोलो 9999. अब स्मॉलेस्ट देखते हैं. द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज, सबसे छोटा वन डिजिट का नंबर क्या होता है? 1 होता है. क्या होता है? 1 होता है. सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 1 है. ऐसे ही स्मॉलेस्ट टू डिजिट का कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा? 10. कौन सा हो जाएगा? 10. और 3 डिजिट का 100, क्योंकि 100 के बाद क्या आता है? 101, जो कि 100 से बड़ा है. ये बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए सबसे छोटा जो 3 डिजिट का हो जाएगा 100, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा 10. और अगर आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा 4 डिजिट का कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000. अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ये हो गया 5 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5 है ना. कितना हो गया? 1, 10, 100, 1000, 10,000. कितना हो गया? 10,000. 1, 10, 100, 1000. कितना हो गया? 1000. कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4 डिजिट. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है. मैंने पहले आपको लार्जेस्ट नंबर बताया था, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बताया. तो द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 9, 2 डिजिट का 99 और 3 का 999. स्मॉलेस्ट में 1 डिजिट का हो गया 1, 2 का हो गया 10 और 3 का हो गया 100. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 11th में है. 11th क्वेश्चन आपका है कि हाउ मैनी वन डिजिट नंबर आर देयर. 11th का ए है, हाउ मैनी वन डिजिट, हाउ मैनी वन डिजिट नंबर्स आर देयर. अच्छा, ये बताइए वन डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से कहाँ तक है? 9 तक है. कितने हो गए 0 से 9 तक? ये 10 हो गए. टोटल कितना आ गया? 10 नंबर. इसी तरह बी क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर. हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर. कितने हो गए? कहाँ से शुरू हो रहे हैं 2 डिजिट के? 10 से शुरू हो रहे हैं. और कहाँ तक आ रहे हैं? 99 तक. 10 to 99. कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक आते हैं? 99 तक. तो टोटल कितने हो गए? 90. सी है ये आंसर है. नेक्स्ट सी है, हाउ मैनी 3 डिजिट. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर.
यानी कि थ्री डिजिट के कितने नंबर्स हैं। अब थ्री डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है, हंड्रेड से, और कहाँ तक जा रहा है, 999, यानी कि 999, क्योंकि उसके बाद तो 1000 आ जाता है, वो 1, 2, 3, 4 डिजिट का हो जाता है, इसलिए 100 से लेके 999 तक थ्री डिजिट के नंबर हैं, तो ये टोटल होंगे 900। तो हाउ मेनी वन डिजिट नंबर्स आर देयर, आंसर 10। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर, 19। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर देयर, 900। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। डू इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है फिलिंग द बॉक्सेस। आपने ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इज इक्वल टू, ये थ्री साइंस पढ़े थे। ये तीन सिंबल्स आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे, जैसे मान लो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, 501 और 507, इसमें से बड़ा कौन सा है, 507 बड़ा है ना, तो ये आएगा। और अगर इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, क्योंकि 579 539, तो 39 से 79 बड़ा है, तो ये साइन इस तरह है। और अगर दोनों तरफ सेम हो, 300 300, तो इज इक्वल टू का साइन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल, दिस वन और दिस वन, ये दो सिंबल्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। यस, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि ये आपने पिछले क्लासेस में भी रीड किया है। तो देखिए 64 और 46 में से ये बड़ा है 64, तो ये साइन लगाना है। 98 101, ये साइन। 301 और 203, तो 301 बड़ा है। नेक्स्ट 756 765, तो 65 बड़ा है ना 756 से, तो इस तरह साइन लगाना है। 472 500, तो 500 की तरफ ग्रेटर लेस देन के साइंस लगाने आपको। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में से कुछ ही क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको पूरे करने हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है आपका, एन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको जो नीचे दे रखे हैं उसमें से सबसे बड़ा आपको आपको एन सर्कल यानी कि गोला बनाना है। कैसे, ये कैसे करेंगे, फर्स्ट इसमें आपको ए दे रखा है 107 701 170 770 और 707, उसके बाद बी दे रखा है 695 596 956 659 965। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, 107 701 170 770 और 707, इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, 770, तो इसको आप क्या करेंगे, एन सर्कल कर देंगे, और आंसर करके आप लिख सकते हैं 770। नेक्स्ट बी क्वेश्चन के अंदर 695 596
956, 659, 965 रीड कर लिया अब हमने। अब देखिए 600 यहाँ पे 600 की जगह 500 की जगह, लेकिन यह 9 है, तो इन दोनों में से 956 और 965 में से देखेंगे हम कौन सा बड़ा है। तो 965 इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 965। तो इस तरह से आप नेक्स्ट सी डी और ई एफ क्वेश्चंस अपने आप करेंगे, बुक के अंदर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 डू इन बुक, किसमें करेंगे, बुक में करना है।